मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के रघुनाथ का पधर में प्रदेश के पहले सरकारी क्षेत्र के 20 बिस्तरों की क्षमता वाले आदर्श नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के आदि युवाओं की नशे की लत छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा है और इस अपराध में शामिल लोगों की संपत्ति जब्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे की आपूर्ति और मांग को कम करने व नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से राज्य में त्रिस्तरीय रणनीति लागू की है। उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता था, अब उनकी संख्या बहुत कम है और इसका उपयोग किया जाए, ये सबकी ओर से इस बात के लिए आग्रह भी था। अभी भी कुछ लोग हमारे जो लेप्रोसी के पेशेंट हैं, थोड़ी मात्रा में हैं, लेकिन बहुत कम हो गई है वो संख्या। और आज मुझे इस बात को लेकर के पसंद है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ मंडी में सरकारी क्षेत्र में ये पहली शुरुआत है जहाँ ये नशा निवारण और पुनर्वास का जो है वो रिएडिक्शन सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर दोनों की एक शुरुआत की गई है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हमको जो आज के इस दौर में जो एक परेशानी है जिसका कई बार जिक्र करना भी कठिन हो जाता है, उसका समाधान इस के माध्यम से होगा।